स्तनपान या लैक्टोफीलिया क्या है? देखिए, इस विषय के ऊपर मैं पहले भी एक बार चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में दोबारा इस विषय के ऊपर बात करने के लिए बोला है, तो आज मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं इस लैक्टोफीलिया को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिस्क्राइब करने वाली हूँ डिटेल में, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी अवेलेबल कराना है। इस इंफॉर्मेशन को कोई भी अपने ऊपर पर्सनली ना लेकर जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को करो, राइट? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रेस्ट सकिंग देखो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो दो लोगों के बीच में संभोग के दौरान होती है। लेकिन जब किसी महिला के स्तनों में से दूध निकले और कोई पुरुष ब्रेस्ट मिल्क पीने की अपनी इच्छा को जाहिर करे और वो ऐसा करे, ब्रेस्ट मिल्क को पिए, तो इसी प्रोसेस को कामुक स्तनपान या लैक्टोफीलिया कहते हैं। इस मामले में देखो एक्सपर्ट की, जो कि विशेषज्ञ है, उनकी यही राय है कि अगर कोई पुरुष ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इससे पहले उसे चाहिए कि वो अपने बच्चे का पेट भर दे। इसके बाद वो इस इरोटिक लैक्टेशन को एंजॉय कर सकता है। अब है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से कोई पुरुष कामुक स्तनपान करना चाहता है। तो देखिए, ज्यादातर पुरुषों में इस तरह की चाहत नहीं होती। मैक्सिमम मर्दों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट सक करना ही पसंद होता है। लेकिन फिर भी 100 में से कोई एक या दो पुरुष ऐसे निकल आते हैं जिनको ये ब्रेस्ट मिल्क को टेस्ट करना अच्छा लगता है। इसके पीछे देखो बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, अपनी फैंटेसी को पूरा करने की चाहत। फैंटेसी देखो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ पुरुष अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो देखने के बाद उत्तेजित हो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि यार मुझे भी अपने पार्टनर के साथ ये चीज करके देखनी है। उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता है कि यार कैसा लगता है, उनकी उत्तेजना शांत नहीं होती। अब दूसरा रीजन देखो, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रीजन है कि बच्चा हो जाने के बाद एक जो औरत है वो अपने बच्चे में स्वाभाविक रूप से ही बिजी हो जाती है, उसकी देखरेख में इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसे में कुछ पुरुषों के मन में ये विचार आने लग जाता है कि मेरी जो बीवी है मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं देती, मेरे लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह की चीज करने की भी सोचते हैं, अपना हक दिखाने के लिए, यार मैं भी हूँ। तीसरा रीजन देखो, कुछ पुरुषों के अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा होती है कि मुझे इस ब्रेस्ट मिल्क को टेस्ट करके देखना है कि आखिर ये लगता कैसा है, मीठा लगता है, नमकीन लगता है, जरा टेस्ट करके देखना है। अब आपको देखो ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ महिलाओं के अंदर भी ये चाहत होती है कि वो अपने पुरुष पार्टनर को कामुक स्तनपान कराए। अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है, कुछ ही महिलाओं के अंदर ये चीज होती है, सबकी बात नहीं कर रही हूं। और जिन महिलाओं के अंदर इस तरह की फैंटेसी नहीं होती है और फिर भी उन्हें अपने पुरुष पार्टनर को स्तनपान कराना पड़ता है, तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से उन्हें स्तनपान कराने की जरूरत पड़ जाती है। और वो रीजन क्या है? नंबर 1, कुछ महिलाओं को मिल्क डक्ट की समस्या पैदा हो जाती है। इसका मतलब कि ब्रेस्ट में से दूध का पूरी तरह से ना निकल पाना, जिसके वजह से उन्हें ब्रेस्ट में पेन रहता है। तो इस सिचुएशन में अपने पुरुष साथी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना उनके लिए एक राहत की सांस देता है। तो उनके लिए ऐसा करना राहत दिलाने वाली चीज साबित होती है, उनका पेन दूर होता है और दूध पूरी तरह से ब्रेस्ट में से निकल आता है। क्योंकि जो पुरुष हैं वो बेस्ट सकर होते हैं, बच्चा तो उस तरीके से खींच ही नहीं पा रहा है। वैसे तो देखो आजकल वो पंप वाले इंजेक्शन भी आते हैं जो कि खींच कर दूध को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उस महिला के ऊपर कि वो किस चीज को प्रेफर करती है, उस इंजेक्शन को या अपने हस्बैंड से ब्रेस्ट सकिंग कराती है। अब दूसरा रीजन कि कुछ महिलाओं के दोनों स्तनों में बराबर दूध नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने पार्टनर को कामुक स्तनपान कराती है जो कि मदद करता है उनके दोनों स्तनों में दूध बनने में। अब तीसरा रीजन देखो, कुछ महिलाओं के जो निप्पल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा उत्तेजना जब उनका पुरुष साथी उनके इस निप्पल को टच करता है तभी महसूस होती है। तो ऐसे में संभोग क्रिया के दौरान जब वो अपने पुरुष साथी को कामुक स्तनपान कराती है तो वो बहुत जल्दी ही टर्न ऑन हो जाती है, रेडी हो जाती है सेक्स के लिए।
अब दूध तो देखो एक दो साल तक बनता ही रहेगा उसकी ब्रेस्ट में, लेकिन ऐसे में क्या 2 साल तक कोई आदमी रुक जाएगा बिना संभोग किए? वो तो करेगा ही, दूध भी निकलेगा ब्रेस्ट में से। तो ऐसे में अगर किसी औरत को खुद से भी पसंद है कामुक स्तनपान कराना, तो दोनों अपनी मर्जी से कर लेते हैं इन चीजों को। अब है कि अगर दो लोग मतलब हस्बैंड एंड वाइफ अपनी मर्जी से एक दूसरे की सहमति से इस एरोटिक लैक्टेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो करें, लेकिन उन परिस्थितियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं जब आपको ये कामुक स्तनपान नहीं करना है, ये चीज दिक्कत कर सकती है। और वो स्थितियां क्या है? नंबर वन कि कई बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए जो निप्पल होते हैं ये बहुत ज्यादा सोर हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये कामुक स्तनपान नहीं करना है क्योंकि ब्रेस्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसे पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, प्री टर्म लेबर को वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो इस सिचुएशन में भी आपको स्तनपान नहीं करना है क्योंकि हो सकता है उसके निप्पल और ज्यादा उत्तेजित हो जाए ऐसा करने से, और टाइम से पहले लेबर पेन उसे शुरू हो जाए, तो इस चीज से भी आपको बचना है। तीसरा, अगर किसी महिला को HIV एड्स या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी भी तरह का ब्रेस्ट इंफेक्शन है, तो भी आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको इन चीजों से बचना है। और लास्ट में सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी फीमेल पार्टनर इस चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं है, वो कामुक स्तनपान नहीं कराना चाहती है, तो चाहे फिर आपकी ये फैंटेसी हो, आपकी ये जिज्ञासा हो, आपकी ये चाहत हो, काटा मार दो, डस्टबिन में उठा के फेंक दो अपनी इस फैंटेसी को। आपको उसे फोर्स नहीं करना है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।